तहरीक इंसाफ की क्यादत इमरान खान की बहन के हाथ में। सीनियर रहनुमा GDA सायरा बानो ने PTI का मुस्तकबिल बता दिया। एक निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर रहनुमा GDA सायरा बानो ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वोटर इमरान खान के अलावा किसी को भी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान अपनी पार्टी की क्यादत अपनी बहन के हवाले कर दें तो शायद लोग उनको कबूल कर लें। सीनियर रहनुमा GDA सायरा बानो का मजीद कहना था कि कुछ लोग इस इंतजार में हैं कि इमरान खान के नाअहल होने के बाद उनको पार्टी की क्यादत मिल जाएगी, तो अगर उनको PTI की क्यादत मिल भी जाती है तो तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर इसको कबूल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में जो वोटर और सपोर्टर्स हैं वो खान साहब के अलावा किसी को कबूल नहीं करेंगे। अगर के खान साहब ये वो कहते ना कि ये अपनी पार्टी की क्यादत अगर अपनी बहन के हवाले करते हैं तो मे भी लोगों का वो हो जाए, लेकिन बाकी जो इंतजार में हैं कुछ लोग तो उनको लोग कबूल नहीं करेंगे। वोटर और सपोर्टर्स हैं वो खान साहब के साथ ही है, मतलब वो किसी और को देख नहीं सकते। मैं आपको अपना तजिया अपनी राय बता रही हूँ। सायरा बानो का मजीद कहना था कि परवेज इलाही को चेयरमैन PTI बनाने के हवाले से उन्होंने एक साल पहले PTI काफ के बारे में खबरें सुनी थी और वो ऐसी खबरें सुनकर हैरान हो गई थी, तो आज अगर परवेज इलाही को PTI की क्यादत मिल जाती है तो लोग समझ जाएंगे कि इसका प्लान पहले से बन चुका था, क्योंकि इस तरह की खबरें एक साल पहले से आ रही हैं। परवेज इलाही साहब का अगर आप ये कहते हैं कि वो होंगे तो ये एक साल पहले मैंने बात गर्ज सुनी थी कहीं पर PTI क्यों की, लेकिन इस बात को भी एक साल से ऊपर हो गया और मैं बहुत हैरान थी कि PTI क्यों, मतलब कैसे। अभी तो आपने मुझे कहा कि अगर वो संभालेंगे तो वो मुझे तो वो बात तो यकीन हो रहा है कि अगर ये बात है तो ये प्लानिंग बहुत पहले की थी।